हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इमली लिया है मैंने। इमली को मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा था, फिर उसे मैंने स्ट्रेनर की सहायता से छान लिया है। गुड़ लेंगे, चीनी, जीरा, अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, लाल मिर्च, काला नमक और नमक। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे, इसे बॉईल आने देंगे हम। इसमें बॉईल आने लगा इसमें हम चीनी डाल देंगे। गुड़ को भी डाल देंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, अभी इसमें हम अदरक डाल देंगे। जीरा डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, काला नमक और नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे। आज से 10 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। चटनी अब रेडी है। आप इसे समोसे के साथ या पकौड़े के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।